स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल साइंस एट ईज नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गायनोशियम गायनोशियम के बारे में डिस्कस करेंगे गायनोशियम देखो क्या होता है दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लार दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लार फ्लार का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं एंड मेल को हमने क्या बोला था एंड्रोशियम बोला था एंड दिस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पल्स यहाँ पे वन और मोर कार्पल्स प्रेजेंट होती है एंड ये कार्पल की अगर हम बात करें कार्पल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट तीन पार्ट की बनी होती है कार्पल वन इज स्टिग्मा नेक्स्ट इज स्टाइल एंड देन ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा जो आपका पार्ट है सबसे अपर पार्ट होता है टिप ऑफ द पार्ट होता है एंड जो ओवरी पार्ट है दिस इज द बेसल पार्ट एंड स्टाइल इज द इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन वाला पार्ट होता है इस तरीके से लाइक like दिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है दिस इज स्टिग्मा अपर टिप पार्ट दिस इज स्टाइल एंड दिस इज बल्ज आउट पोर्शन That is ovary. ये क्या रहेगा आपका ओवरी रहेगा तो हम बोल सकते हैं ओवरी जो है दिस इज दार्ज बेसल पार्ट और जिस इसके ऊपर ही अलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट है दैट इज स्टाइल एंड इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है दट इज स्टिग्मा इसी स्टिग्मा पे आके आपके पोलनग्रेन लैंड करते हैं एंड एक ओवरी मोर देन वन ओव्यूल्स भी बियर कर सकती है एंड वो ओव्यूल्स जो अटैच होते हैं दे आर अटैच बेसिकली बाय अ स्ट्रक्चर एक क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल्स जो आपके अटैच होते हैं ओवरी के साथ बाय द क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा एंड वन रिमेंबर वन थिंग अगर मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है अगर मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है इफ मोर देन वन कार्पल आर प्रेजेंट देन और अगर वो कार्पल आपके फ्री भी है फ्यूज नहीं आपस में फ्री हैं तो उस कंडीशन को आप बोलोगे एपो कार्पस एंड ऐसी कंडीशन आपकी विजुअलाइज की गई है लोटस के अंदर एंड रोज के अंदर लोटस एंड रोज के अंदर ठीक है और अगर आपके कार्पस फ्यूज हैं आपस में कंबाइन है तो दैट कंडीशन इज नोन एज फ्यूज फॉर्म में है तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे सिंकारपस बोलोगे दिस इज नोन एज सिंकार और ये एग्जाम्पल्स आपके देखे गए हैं कुछ फ्रूट्स के अंदर और मस्टर्ड के अंदर देखा गया है एंड आपका टोमेटो के अंदर मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर देखा गया है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑलवेज रिमेम्बर जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका ओव्यूल होते हैं ओव्यूल आपके डेवलप हो जाते हैं इनटू द सीड्स एंड जो आपकी ओवरी होती है वो मेच्योर हो जाती है इनटू द फ्रूट ओव्यूल सीड के अंदर डेवलप हो जाते हैं एंड ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है दिस वॉज अबाउट द गायनोशियम पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन के बारे में बात करेंगे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स